पहले मेरे को थोड़ी इंजरी हो रखी थी बैक में, इसलिए स्टार्टिंग में कोच साहब ने मेरे को मौका नहीं दिया, लेकिन उनको मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि मैं ज़रूर कम बैक करूँगा। तो उन्होंने आज मेरे को पहले ही बोल दिया था कि आज तेरा ही दिन है। बस पिछले मैच में भी कोच साहब ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और इस मैच में भी ट्रस्ट किया। अभी तो कोच साहब ने कुछ नहीं बोला, जाके ही बोलेंगे, लेकिन हमारा डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फजल भाई साहब हैं, सोमवीर भाई साहब हैं, इनका रेडर्स को ध्यान था, मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए आज मेरी कैच लग गई। पहले आप में ज़्यादा रेड राकेश कर रहा था, क्योंकि वो थोड़ा गर्म था उस टाइम पर, मैं थोड़ी कम रेड्स कर रहा था। तो फिर हाफ टाइम में बोला कोच साहब ने कि अब तू रेड मार सारी और सारी ट्राई ले, खाली आना ही नहीं है एक भी रेड में, तो इसलिए मैं ट्राई लेता गया और पॉइंट्स आते गए। अपना डिफेंस के लिए अपना मैच लॉस हो गया, फिर डिफेंस सेट नहीं हुआ, उनका लेफ्ट 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 कवर, राइट कवर, लेफ्ट कॉर्नर, उन्होंने ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेल के उनका नहीं खेला, वो उनका मैच एक्सपीरियंस ना, वो ऑल इंडिया खेलने के लिए मैच एक्सपीरियंस वो कम था, इसलिए वो डिफरेंट राइडर के साथ नहीं बैठ गया, ये अपना की दिक्कत हो रहा। सर अपनो प्रैक्टिस में प्रिपरेशन, मैच के पहले प्रिपरेशन कर रहा ना, वो टाइम वो बराबर खेल रहा है ना, क्योंकि वो अपना राइडर्स का मूवमेंट उनका बताएगा, उनका किधर अटेम्प्ट कर रहा, किधर अटेम्प्ट नहीं कर रहा, वो हिसाब से वो टीम प्रैक्टिस में अच्छा सेटल हो रहा, कॉम्बिनेशन अच्छा सेटल हो रहा। इधर मैच के आने के बाद वो डिफरेंट टाइप ऑफ राइडर्स आगे वाला लोग, वो भी अच्छा बहुत एक्सपीरियंस खेला, इसलिए हर बार मैं बोलते रहूँगा अपना डिफेंस के लिए मैच एक्सपीरियंस बहुत कमजोर था, इसलिए अपना के डिफेंस नहीं बैठा।